ये वो तस्वीरें हैं जो बिग बॉस के सीजन से बाहर आने के बाद शहनाज की पहली बार देखने को मिली थी। शहनाज गिल जैसे ही बिग बॉस से बाहर आई थी, उन्हें एक शो ऑफर किया गया था जिसका नाम था मुझसे शादी करोगे। हालांकि इसके ऊपर उनके काफी करीबी लोगों ने आपत्ति उठाई थी कि इतना हल्का शो शहनाज को नहीं करना चाहिए। शहनाज कौर गिल की कई तस्वीरें सामने आई। शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देखते हुए नजर आए। एक मौका ऐसा भी आया जब शहनाज को कहा गया कि उन्हें आंख बंद करके बताना है कि सामने कौन सा मेल खड़ा है। शहनाज ने सिद्धार्थ शुक्ला को छुआ और कहा कि ये तो सिद्धार्थ शुक्ला जैसा ही लग रहा है। लेकिन जब उन्होंने आंखें खोली तो वो खुशी के मारे रो पड़ी। उन्होंने कहा कि ये तो सिद्धार्थ शुक्ला ही है। वेल, ये एक ट्विस्ट था जो शो को हिट कराने के लिए डाला गया था। मेकर्स भी जानते थे कि शहनाज की जोड़ी को लोग कितना पसंद करते हैं और खासकर उनके फैंस। वेल, कुछ तो शो नहीं चला और कुछ लॉकडाउन के कारण इस शो को बीच में ही बंद करना पड़ा। इस बात पर अभी भी मतभेद है कि शहनाज को ये शो करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। वेल, आपको बता दें कि इस शो को लेकर अगर बात की जाए तो एक खबर और भी सामने आती है कि इस शो के बाद लॉकडाउन जब हुआ था तब शहनाज ने अपने आप को एक बार दोबारा से तैयार किया था। शहनाज की जगह अगर कोई भी दूसरी एक्ट्रेस होती तो शायद ऐसे सरकमस्टेंसेस में टूट जाती और पिछड़ जाती। लेकिन आज भी देखिए, बिग बॉस का सीजन 14 जारी है, लेकिन बात ट्विटर पर हो रही है शहनाज गिल की, बात हो रही है शहनाज की और बात हो रही है 1 ईयर ऑफ शहनाज के रिज्वाइन की। जी हाँ, जब 1 ईयर ऑफ शहनाज रियूनियन ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा तो वाकई ये हैरान करने वाला था कि एक साल तक अपना फैंडम बरकरार रखना ये कोई छोटी बात नहीं है। शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला को फैंडम को आप ऐसे समझिए कि जब शहनाज ने ये शो ज्वाइन किया जो कि एक रियलिटी शो कहा जा रहा था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि अगर शहनाज को कोई लड़का पसंद आता है तो शहनाज उस लड़के से शादी कर लेंगी। सभी फैंस को भी पता था कि शहनाज किसी और से शादी नहीं कर सकती। मेकर्स को भी पता था कि शहनाज किसी और से शादी नहीं कर सकती सिद्धार्थ शुक्ला के अलावा, और खुद शहनाज को भी पता था। लेकिन फिर भी शहनाज का ये शो काफी देर तक चला शहनाज की बदौलत, और आखिर में वही हुआ जो होना था। शहनाज और सिद्धार्थ आज भी एक हैं। जहां कयास लगाए जा रहे थे एक साल पहले कि शहनाज किसी और को पसंद ना कर ले, जो कि लॉजिकली पॉसिबल नहीं था, वो आज भी वैसा ही है। वेल, कोई दो राय नहीं है इस बात में कि शहनाज और सिद्धार्थ के जितने भी फैंस हैं इन तस्वीरों को देखकर इमोशनल हो गए होंगे। क्या है आपकी राय, हमें जरूर बताएं, और इसी तरह की ताजा तरीन अपडेट्स जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।